ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार में लालू परिवार के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक और बिहार की कमान युवा हाथों में देने की बात कह चुके हैं, तो वहीं दोनों लालू के बीच सियासी जंग अपने चरम पर नजर आ रही है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अब खुलकर आरजेडी नेताओं को चुनौती देने लगे हैं। हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं लालू के करीबी शिवानंद तिवारी ने तेजू भैया की पार्टी निष्कासन को लेकर बड़ा बयान दिया था। तिवारी ने तेज प्रताप यादव को लेकर कहा कि तेज प्रताप यादव को निष्कासित करने का तो सवाल ही कहां बचा है, वो तो खुद से ही पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। तिवारी के इस बयान के सामने आने के बाद तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे आरजेडी से निकालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। अब तेजू भैया के तेवर देख सभी हैरान और परेशान हैं। बता दे, सोमवार को तेज प्रताप यादव ने जेपी जयंती के मौके पर पद यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में तेज प्रताप यादव नंगे पांव जेपी गोलंबर से अगमकुआ इलाके में स्थित जयप्रकाश नारायण के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए तेज प्रताप यादव ने पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर खुलकर बयान दिया। हाल ही में आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप आरजेडी में है ही कहां, उन्होंने अलग संगठन बना लिया है, इस पर तेज प्रताप ने कहा कि किसी की थोड़ी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे पार्टी से निकाल सके। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं जयप्रकाश नारायण का अनुयायी हूं और एक कृष्ण भक्त भी हूं, भला ऐसे में मुझे आरजेडी से निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी में किसी से किसी तरह की लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, मेरा विवाद तो सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरएसएस के साथ है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि परिवार अलग जगह है और अपनी सियासी लड़ाई अलग जगह है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बिहार वापसी को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि मेरे पिताजी जब बिहार लौट कर आएंगे तो उन्हें सब जगह घुमाऊंगा। अब अपने पिताजी की बिहार वापसी को लेकर तेज प्रताप यादव क्या कहना चाहते हैं यह तो वो ही जाने, लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों में आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई और भी ज्यादा तेज होने वाली है। वहीं जब जेपी जयंती पर तेज प्रताप द्वारा निकाले गए पैदल मार्च को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी को शुभकामना है, अच्छी बात है, सभी लोग मानते हैं और इस तरह की यात्राएं निकालनी भी चाहिए। भले ही तेज प्रताप यादव कह रहे हो कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान में दोनों भाइयों के बीच जारी गहमागहमी नजर आती है। दरअसल बीते कुछ महीनों से लालू के दोनों लालू तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर है। तेज प्रताप यादव ने अपना एक अलग खेमा बना लिया है, तो वहीं तेजू भैया की पार्टी नेताओं से अनबन लगातार जारी है। तेज प्रताप लगातार इशारों में अपने छोटे भाई जिन्हें वो कृष्ण भी कहकर संबोधित करते हैं उन पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी ने अपने बड़े भाई की तरफ से किए जा रहे हमलों का खुलकर जवाब नहीं दिया है। फिर चाहे वो तेज प्रताप का अलग से संगठन बनाना हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद तिवारी से उनकी हुई अनबन हो, सभी मसलों पर तेजस्वी ने सदैव अंदाज में बयान दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।